कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है आपका। और आज मैं आपको राजनीतिक शास्त्र पॉलिटिकल साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ, जो कि आपके विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये 50 क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में आपको ज़रूर पूछे जाएंगे, कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आएगा पॉलिटिकल साइंस से इन 50 क्वेश्चन में से। तो एक बार इसको आप ध्यान से बस सुन लें, आपको ज़रूर ये लाभकारी सिद्ध होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, सरकारिया आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो सरकारिया आयोग केंद्र एवं राज्य संबंधों से संबंधित है। किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। संयुक्त राज्य की स्थापना हुई तो 24 अप्रैल 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। राज्यसभा विघटित हो जाती है तो राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती है। ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछे जा चुके हैं। राजनीतिक कानून का संबंध है तो यह है व्यक्ति के बाहरी आधार व्यवहार से, जो बाहरी आधार व्यवहार है उससे संबंधित है राजनीतिक कानून। प्रशासनिक कानून किनके मध्य संबंध निश्चित करता है? तो प्रशासनिक कानून किनके मध्य संबंध निश्चित करता है? तो वो राज्य एवं उसके कर्मचारी अपने कर्मचारियों के साथ संबंध को निश्चित करता है। राज्य के शरीर सिद्धांत के समर्थक, तो राज्य के शरीर सिद्धांत के समर्थक हैं ब्लूसली और हॉवर्ड स्पेंसर। कौन है? ब्लूसली और हॉवर्ड स्पेंसर। शक्ति विभाजन के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक उपस्थित कर उसे राजनीतिक विज्ञान का मौलिक सिद्धांत बना देने का श्रेय किस राजनीतिक विचारक को है? तो वो है मोंटेस्क्यू। किसको है? तो मोंटेस्क्यू को है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। प्रजातांत्रिक विकेंद्र प्रया है या विकेंद्रीकरण का मतलब है, वो पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज का। क्वेश्चन नंबर 10, राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हीगल का है। किसका है? हीगल का। रिपब्लिक का लेखक, एक ग्रंथ है रिपब्लिक, उसके लेखक कौन है? तो वो है प्लूटो। कौन है? प्लूटो या प्लेटो। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का सूत्रधार कौन थे? तो रूसो। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा के सूत्रधार कौन थे? रूसो। किसने दो प्रकार के समझौते, एक सरकारी तथा दूसरा सामाजिक का प्रतिपादन किया? तो उनका नाम था, सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम था लॉक। क्या नाम था? तो लॉक। भारतीय संविधान की मसविदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? मसविदा जो संविधान का तैयार हुआ उसके अध्यक्ष, समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें कि संविधान का निर्माणकर्ता या पिता भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो सोवियत संघ रूस से, याद रखना है आपको। भारत के राष्ट्रपति का वेतन होता है 1,50,000 रुपया। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में याद रखेंगे कि संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य, और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अरस्तु क्रांति के किस सिद्धांत के समर्थक हैं? तो अरस्तु नव उदारवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्न में से किस देश की देन है? तो आपातकालीन संबंधी जो शक्तियां दी गई है वो जर्मनी के बीवर संविधान से लिया गया था, भारतीय संविधान में। भारत में सर्वोच्च माना गया है, तो भारत में सबसे सर्वोच्च अगर कोई है तो वो है संविधान। 42वें संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था, द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो समाजवाद जोड़ा गया। भारतीय संविधान में किस संशोधन के परिणाम स्वरूप, जो कि संपत्ति के मूल अधिकार को सूची से हटा दिया गया, मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया संपत्ति के अधिकार को, तो वो है 44वां संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था।
भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है, तो महाभियोग संसद के दोनों सदनों में लग सकता है, इसके भी नियम हैं। जो स्पेशली जो लेक्चर होगा मैं वो संसद का लूँगा, उसमें आपको बताऊँगा किस प्रकार से चुनाव होता है, किस प्रकार से महाभियोग लगाया जाता है। अभी ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो खास करके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो आप इसको अच्छे से याद रखिए। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, ये याद रखेंगे आप। भारतीय संसद की दोनों सदनों की अध्यक्षता, देखिए बुलाता कौन है? राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष, याद रखना है आपको। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, या सरदार पटेल कह सकते हैं, जिन्हें कि लौह पुरुष भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में हुआ था। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? तो वो है 1 लाख रुपया प्रति मंथ। महान ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक हैं, तो कौटिल्य। महान ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। कौन थी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री? सुचेता कृपलानी। नागालैंड की राजधानी का नाम क्या है? तो वो है कोहिमा। नागालैंड की राजधानी का नाम क्या है? कोहिमा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था? आपको पता होगा, सुभाष चंद्र बोस। राजनीतिक दल निम्न में से किसके लिए जरूरी है? तो वो लोकतंत्र के लिए बहुत ही जरूरी है राजनीतिक दल। राज का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह कथन किसका है? तो यह है ग्रीन, एक विचारक थे, थिंकर थे, उनका कथन है। रूसो किस देश के निवासी थे? तो रूसो फ्रांस के थे, याद रखना है। रक्त संबंध समाज को और समाज राज को जन्म देता है, यह कथन किसका है? तो मैकाइवर का है, याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त संबंध समाज को और समाज राज को जन्म देता है, यह कथन किनका है? मैकाइवर का। नैतिक कर्तव्य है माता पिता द्वारा बच्चों को शिक्षा देना। न्याय का सार्वलौकिक तत्व है, न्याय समानता पर बल देता है, यानी सबको समान रूप से देखता है, ठीक है। अधिनायक तंत्र निम्न में से किसका विलोम है? तो वो है लोकतंत्र का विलोम। क्वेश्चन नंबर 41 पे आइए, भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो हैं जवाहरलाल नेहरू। निर्वाचन आयोग का काज नहीं है, तो उम्मीदवारों का चयन करना यह काज निर्वाचन आयोग का नहीं है। स्टेट एंड रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेनिन, याद रखना है। स्टेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मैक्यावेली ने किया था। किसने किया था? मैक्यावेली ने। किस राजनीतिक दार्शनिक ने धर्म को जनसाधारण का नशा कहा है? तो वो है कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो वो है मात्र एक गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निश्चय अंतिम रूप से कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी, या कहिए शिल्प का निर्माणकर्ता कहा जाता है? तो बी आर मेहता को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? बी आर मेहता को। भारत में मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन करता है? तो मौलिक अधिकार में संशोधन सिर्फ संसद ही कर सकता है। किसे भारतीय राष्ट्रवाद का मसीहा और आधुनिक भारत का जनक माना जाता है? तो वो है राजा राम मोहन राय। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से मैं लगभग 10 वीडियो बनाऊंगा पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक शास्त्र से रिलेटेड, जो कि एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, चाहे अन्य एग्जाम टीईटी, एसटीईटी, सीटीईटी, और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम, जहाँ पे ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको जरूर लाभ मिलेगा यहाँ से। तो आज के लिए इतना ही, अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और बगल में आइकॉन होगा बेल आइकॉन, उसको जरूर क्लिक करें। अगर आप करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हमें प्रोत्साहन मिलता है,
और मैं फिर आपके बीच में अच्छा अच्छा मटेरियल्स को लेकर आता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।